बड़ी खबर, विश्व हिंदू परिषद की बड़बोली नेता साध्वी प्राची ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। साध्वी प्राची ने महात्मा गांधी को लेकर अभद्र टिप्पणी की। साध्वी प्राची ने बापू को अंग्रेजों का एजेंट बताया। बहराइच में विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में साध्वी प्राची ने कहा कि देश की आजादी में सिर्फ बापू का ही योगदान नहीं था। साध्वी ने बापू के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए उन्हें अंग्रेजों का पिट्ठू बताया। ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले बयान का साध्वी प्राची ने बचाव किया। उन्होंने देश में दो बच्चे रखने वाला कानून बनाने की वकालत की। उस गांधी ने जो अंग्रेजों के पिट्ठू बनकर के काम किया। विवादों की साध्वी ने एक बार फिर से मुंह खोला है और इस बार भी उगली है आग। इस बार विश्व हिंदू परिषद की नेता साध्वी प्राची के निशाने पर रहे बापू। बहराइच में साध्वी प्राची ने बापू के देशभक्ति पर सवाल उठाए। साध्वी प्राची ने कहा कि आजादी सिर्फ गांधी जी के कारण नहीं मिली। साध्वी प्राची ने आजादी की लड़ाई में बापू के योगदान पर ही सवाल नहीं उठाए, बल्कि उनके खिलाफ जमकर अपशब्दों का इस्तेमाल किया। यहां तक कि इस बड़बोली साध्वी ने बापू को अंग्रेजों का एजेंट तक करार दे दिया। अपने विवादित बयानों के कारण अक्सर सुर्खियों में रहने वाली साध्वी प्राची ने बहराइच में एक बार फिर से समुदाय विशेष पर निशाना साधा और देश में दो बच्चों पर कानून बनाने की वकालत की और दो से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर वोटिंग का अधिकार खत्म करने की मांग तक कर डाली। देश के अंदर एक कानून बने, एक विधान हो, एक संविधान लागू किया जाए। दो दो कानून देश में लागू नहीं होने चाहिए। बच्चे चाहे दो हो, लेकिन सबके हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके दो ही होने चाहिए। सबकी सुरक्षा, जो सरकारी सुविधाएं वो खत्म हो जाए, खत्म हो जिस वोट का अधिकार खत्म किया जाए। दो से अधिक जिनके पास है, बिल्कुल। साध्वी प्राची पर हमेशा से नफरत की सियासत करने का आरोप लगता रहा है, लेकिन इस बार उनकी नफरत की इस राजनीति का शिकार हुआ है अहिंसा का सबसे बड़ा पुजारी। ब्यूरो रिपोर्ट, बहराइच।